अल्लाह लेकुम माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब uh, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होंगे तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एक्चुअली कल ही ये ब्लॉग आने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से ऐसा हुआ कि कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो डिलीट हो गई आफ्टर एडिटिंग जब मैं एडिटिंग कर चुकी और वॉइस ओवर भी कर लिया जब मैं अपलोड करूँ तो वो अपलोड ही ना हो मैंने यकीन करें चार से पाँच दफ़ा अपलोड किया व्लॉग लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो रहा था बाद में मुझे पता लगा कि जी उसमें से एक दो क्लिप्स जो है वो डिलीट हो गया जिसकी वजह से अपलोडिंग में मसला आ रहा है फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया और उसके बाद ये पाकिस्तान का के है और यहाँ पे मैं बना रही थी खीर तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ रेसिपी और ये ज़ाफरानी खीर है ये जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ठीक है जो कल का व्लॉग होगा और ये यहाँ पे जो खीर में मैंने इस्तेमाल की थी जावा बर्फ़ी ये बहुत फेमस है और ये हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और अच्छी बहुत मतलब टेस्ट में बहुत अच्छी होती है तो कल तो कल का व्लॉग जो है वो इसी वजह से रह गया कि बस उसमें से एक दो तो क्लिप डिलीट हो गए थे तो फिर खैर मेरा मूड इस वजह से कल बहुत ऑफ हुआ अब आप लोगों के साथ एक और न्यूज़ शेयर करनी थी कि हम लोग जो है वो वन फिफ्टी सब्सक्राइबर्स uh, की फैमिली बन चुके हैं और डेढ़ सौ लोग भी कम नहीं होते हैं अगर हम वैसे देखा जाए तो मतलब डेढ़ सौ लोग भी काफ़ी होते हैं और uh, इंशाल्लाह अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो फिर वन फिफ्टी के तक भी हमारी फैमिली जाएगी और uh, मैं एक्चुअली थोड़े में भी इंसान को खुश रहना चाहिए तो मैं इसमें भी 150 सब्सक्राइबर्स में भी मैं बहुत हैप्पी हूँ और उन सब का दिल से शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को और जो लोग देख रहे हैं क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है व्यूज़ भी बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे ये नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी चैनल ग्रो करने लग जाएगा क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स को देखती थी उनके इतने इतना टाइम गुजर गया होता था लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आ रहे होते थे व्यूज़ का मसला बन जाता था और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे घर के पास जो स्टोर है ये कुछ उसके क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं और हाँ तो मैं आपसे ये कह रही थी कि व्यूज़ जो है आप लोग बहुत आपका शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं आप बस एक वीडियो वायरल होने की देर है और उसके बाद जो है चैनल मोनिटाइजेशन की तरफ़ जाएगा और वो भी गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप ही लोगों की वजह से ये सब कुछ है तो एक सब्सक्राइबर जो है उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि ये जो सुपर स्टोर्स होते हैं यहाँ से लेने की जिस जो बाहर से अगर हम कुछ इस तरह से परचेजिंग वगैरह करें ऐसी प्रोडक्ट्स की ये राशन वगैरह की तो थोड़ा कम प्राइस में मिल जाते हैं हाँ जी ये बात ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखिए ना इन्होंने कितना पे करना होता जाहिर है एक मॉल में जो चीज़ें होती हैं उसकी और बाहर से लेने में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो डेफ़िनेटली आ ही जाता है तो वैसे ये है कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं और इस वक्त मैं खाना खा रही हूँ और साथ में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं और ज़्यादा आवाज़ का भी मसला नहीं है नहीं तो बैकग्राउंड से इतनी नॉइस आ रही होती है कि वो फिर वॉइस ओवर करना ठीक नहीं रहता तो आ, जो है मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि बहुत क्विक जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है वन के के फैमिली बन चुके हैं हम और इंशाल्लाह बस एक मुझे अब उस दिन का इंतजार है जब एक वीडियो एटलीस्ट वन पॉइंट फोर के भी सब्सक्राइब मतलब आगे व्यूज़ तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वॉच टाइम जो होता है चार हज़ार घंटे का वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद चैनल को मोनेटाइजेशन की तरफ जा सकता है और आपको पता है कि चार हज़ार घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और वन के सब्सक्राइबर्स होने चाहिए तभी हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा टाइम हो गया था मेरी शाम की चाय का इवनिंग टी और उसके लिए बिस्किट्स चाय हो और बिस्किट्स हो तो मज़ा आ जाता है तो कैफे आपका फेवरेट बिस्किट वैसे कौन सा है और ये डिप करके आपको खाना पसंद है या फिर वैसे खाना पसंद है और मुझे सारे अच्छे लगते हैं बस कुछ बिस्किट्स हैं जो मुझे नहीं अच्छे नहीं लगते हैं बाकी जो सब जो भी मिल जाए ठीक थी, है इनकम के लिए जो है वो बैंक जो है पहले आ, मेरा जो अकाउंट काफ़ी टाइम पहले था वो क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रही थी मुझे ना बैंक यूज़ करना इतना पसंद नहीं है और जब इससे पहले भी एक दो तो दफ़ा जॉब की है थोड़ी ही देर के लिए इंटर्नशिप वगैरह भी अगर किया तो उसकी सैलरी भी मैं बाई कैश लेना बाय हैंड लेना ही प्रेफर करती थी, थी मुझे ना बैंक यूज़ करना इतना